ज्योतिषी की बड़ी भविष्यवाणी, इस खिलाड़ी की वजह से भारत नहीं जीत पाएगा विश्व कप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आगामी विश्व कप के लिए टीम इंडिया की घोषणा 15 अप्रैल को की गई और टूर्नामेंट के लिए चुने गए 15 खिलाड़ियों को देश के लिए तीसरा खिताब जीतने के लिए तैयार किया गया। नंबर 4 के लिए विजय शंकर को चुन लिया गया। गेंदबाजी आक्रमण सर्वश्रेष्ठ दौर से गुजर रहा है और कोई आश्चर्य नहीं कि कई लोग महसूस कर रहे हैं कि मैन इन ब्लू खिताब जीतेगी, लेकिन प्रसिद्ध ज्योतिषी ग्रीन स्टोन लोबर ऐसा नहीं सोचते हैं। कही ये बात, उनके अनुसार विराट कोहली का जन्म वर्ष ट्रॉफी और भारत के रास्ते में आ सकता है। लोगों ने 2011 और 15 के विश्व कप संस्करणों के विजेताओं की पूरी तरह से भविष्यवाणी की थी। लोगों ने बताया कि विराट कोहली का जन्म वर्ष 1988 में है। अगर उनका जन्म वर्ष 1986 या 87 में होता तो वह विश्व कप में अच्छा करते और टीम इंडिया विश्व कप जीतने में सफल हो पाती। उन्होंने विश्व कप जीतने को लेकर इतना ही नहीं कहा, उनके अनुसार विश्व कप को जीता जा सकता था यदि टीम महेंद्र सिंह धोनी ना होते। यदि टीम में महेंद्र सिंह धोनी ना होते, धोनी हमेशा किस्मत में थे, लेकिन अब उनका समय नहीं है। रवि शास्त्री की कुंडली भी अच्छी नहीं। इसके अलावा भारत के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने भी अपने खेल करियर के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और लोगों के अनुसार वो विश्व कप नहीं दिला पाएंगे। रवि शास्त्री की कुंडली अच्छी नहीं है, हालांकि वो और विश्व कप नहीं जीत सकते क्योंकि वो पहले से ही सबसे अच्छा दौर देख चुके हैं। उनकी कुंडली के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन अब और नहीं बचा है। भारत पाक मैच पर रखी ये राय, पाक के खिलाफ मैच के बारे में भविष्यवाणी करते हुए लोगों ने कहा कि इस बार एक बार फिर टीम इंडिया पाक के ऊपर भारी पड़ने वाली है। विश्व कप में पाक के खिलाफ मैच में टीम इंडिया ही मैच जीतने में सफल हो पाएगी। बता दें कि 16 जून को भारत पाक के बीच मैनचेस्टर में कड़ा मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।